बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में लूट की हुई घटना को पुलिस ने मात्र 48 घंटे में उद्भेदन कर दिया है। मामले में पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार करने के साथ ही हथियार, मोबाइल और नकदी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि 1 दिसंबर की रात्रि को बारुण थाना क्षेत्र में खैरा नहर के पास बाइक सवार अपराधियों ने हसपुरा थाना क्षेत्र के इटवा गांव निवासी चंदन कुमार को हथियार का भय दिखाकर मोबाइल और रुपए लूट लिया था। घटना के बाद मामले में बारुण पुलिस भारतीय दंड विधि की धारा 392 के तहत कांड संख्या 518-22 दर्ज कर घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने और गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। मामले में त्वरित उद्भेदन के लिए औरंगाबाद सदर की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वीटी सहरावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने घटना के मात्र 48 घंटे में तकनीकी और अन्य स्रोतों से सूचना का आकलन करते हुए अपराधियों की पहचान कर उन्हें उबरा थाना के 56 बिघा में सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार कर लिया। 4 लुटेरों को लूट के रुपयों, मोबाइल, लूट में प्रयुक्त देशी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में हथियार एवं गोली बरामदगी को लेकर उबरा थाना में 2 दिसंबर को भारतीय दंड विधि की धारा 25(1)(b)(a) और 26(35) आर्म्स एक्ट के तहत अलग से प्राथमिकी संख्या 492-22 दर्ज की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में जमहोर थाना के पिपरा गांव निवासी प्रभु शर्मा पूर्व में उपहारा कांड थाना 24-22 में जेल जा चुका है। इसी गांव का शैलेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू कुमार, ओबरा थाना के 56 बिघा गांव निवासी रंजन कुमार और पिपरा गांव निवासी बिट्टू कुमार शामिल हैं। अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और लूट के 600 रुपये और 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस की स्पेशल टीम में बारुण थानाध्यक्ष कमलेश पासवान, ओबरा थानाध्यक्ष पंकज सैनी, जमहोर थानाध्यक्ष संजय कुमार, दाऊदनगर थानाध्यक्ष कुफरान अली, जिला असूचना इकाई के पुलिस अवर निरीक्षक सुशील कुमार शर्मा, बारुण थाना के सहायक अवर निरीक्षक वीरेंद्र कुमार राम और जिला असूचना इकाई की टीम शामिल थी। पहली घटना जो हुई थी बारुण थाना का है, 1 दिसंबर को लूट की घटना हुई थी जिसमें अज्ञात अपराधियों ने पैसा और मोबाइल लूट लिया था और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोग गिरफ्तार किया गया। प्रभु शर्मा, शैलेंद्र कुमार, इन दोनों को जमहोर से गिरफ्तार किया गया है। रंजन कुमार, बिट्टू कुमार, इन दोनों को ओबरा से गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में जो प्रयुक्त देसी कट्टा और गोली है वो बरामद हुआ है। लूट का पैसा 600 रुपये बरामद हुआ है। लूट का एक मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त 4 और मोबाइल जब्त किया गया है। इस टीम में एएसपी सदर और एसडीपीओ दाऊदनगर के अतिरिक्त SHO बारून, SHO ओबरा, SHO जमहोर, SHO दाऊदनगर और DIU से सब इंस्पेक्टर सुशील शर्मा थे, बारून थाना के ASI वीरेंद्र राम और DIU की बाकी जो टीम थी। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण घटना का खुलासा हुआ है। प्रभु शर्मा जो पकड़ाया है जमहोर से, ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। जमहोर उपहरा थाना में एक मोबाइल लूटा गया था, 24-22 का कांड संख्या है, उसमें जेल पहले से गया है।